हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीक का सेकंड आईपीओ रिव्यू, जो कि है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक को रेट कैसे करते हैं, उनके बारे में रिव्यू कैसे दिया जाता है एंड उसको समझते हैं बेसिक डिटेल से लेके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है एंड एज कम्पेयर टू बाकी आईपीओज ये आईपीओ कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वैल्यूएशन कैसी है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में, लेकिन 2015 में इनको कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेम ग्रांट किया गया। सो 2015 से ये नाम इनके पास है। ये ऐसी फर्स्ट नॉन एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जिन्होंने रिसीव किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस। क्या मतलब, ये नॉन एनबीएफसी होके भी इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस ग्रांट कर लिया अपने पास, ऐसी फर्स्ट कंपनी है ये। थोड़ी सी और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सो इनका टारगेट सेगमेंट जो है ये जनरली मिडिल इनकम कस्टमर्स हैं, जो कि अल्ट्रा एचएनआईज नहीं है, थोड़े मिडिल इनकम में आते हैं, विच इज जिनकी एनुअल इनकम हो अराउंड 0.4 से 5 मिलियन तक, मतलब 50 लाख तक मैक्सिमम जो इनकी एनुअल इनकम होती है उनको ये केटर करते हैं। एज ऑफ June 30th, 2023, अगर हम June 30th, 2023 तक देखें तो 99.84% जो इनकी लोन बुक है, मतलब जो इनके पास लोन है उसमें जो अकाउंटिंग लोन बुक है वो सिक्योर्ड लोन्स पे है। क्या मतलब, उसमें से भी 99% में से भी जो 84.66% जो लोन्स हैं वो सिक्योर हो रखे हैं बाय इमूवेबल प्रॉपर्टीज, विच इज इवन मोर सिक्योर्ड एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिक्योर्ड लोन्स। सो ये इनका बेसिक डिटेल्स है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेट्स की एंड लॉट साइजेस की इस आईपीओ में। सो स्टार्ट डेट होने वाली है 7th to 9th February, अलॉटमेंट इसकी होने वाली 12th February को, रिफंड आपको मिल जाएगा 13th February तक एंड लिस्टिंग हो जाएगी वही हमारे प्यारा से 14th February। बट पिछले आईपीओ में लाल का मतलब हो सकता था प्यार का रंग हो, इस आईपीओ में हो सकता है लाल का मतलब गिरावट का रंग हो। सो गाइज आपको कॉशन रखना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड वैल्यूएशंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कहना चाह रहा हूँ। अभी हम फिलहाल लॉट साइज के बारे में बात कर लेते हैं। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट एक बास्केट 32 शेयर्स का होने वाला है, जिसमें आपको 14,976 रुपीस देने पड़ेंगे। अगर आप एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले तो 14 लॉट्स का एक बास्केट होने वाला है, जो कि 448 शेयर्स बनते हैं एंड 209,664 रुपीस का एक बास्केट बन जाएगा। एचएनआई बिग कैटेगरी में बात करें तो 67 लॉट्स का एक बास्केट होने वाला है, विच इज 2144 शेयर्स एंड ये बन जाएगा 10,03,392 रुपीस। अब हम बात कर लेते हैं साइज एंड प्राइस ऑफ द इशू के बारे में। जो साइज ऑफ द इशू है वो बहुत बड़ा नहीं है, 523 करोड़ का, जो कि काफी छोटा आईपीओ मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा नहीं है, तो हो सकता है इसमें हमें ओवर सब्सक्रिप्शन दिख जाए, ऑल्दो एज कंपेयर टू बाकी आईपीओ इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा। बट 450 करोड़ जो इस 523 में से है वो है सारा फ्रेश इशू, विच इज अ गुड थिंग। मतलब कंपनी जो है ज्यादातर अपना जो फ्रेश इशू लेके आ रही है अपने पुराने स्टेक्स को नहीं बेच रही, मतलब दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन दिस कंपनी। 73 करोड़ जो है बाकी का वो ऑफर फॉर सेल होने वाला है, थोड़ा बहुत एग्जिस्टिंग ओनर्स अपना माल बेच के अपना स्टेक बेच के जा रहे हैं, बट क्योंकि 73 करोड़ सिर्फ ओएफएस है तो इट्स नॉट अ वेरी वेरी बिग थिंग। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में बात करें तो प्राइस बैंड 445 से 468 का होने वाला है, ऑल द प्राइस बैंड थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है बट नंबर ऑफ शेयर इश्यूज जो हैं वो कम है। क्या मतलब, अगर 468 का प्राइस है तो शेयर पर लॉट सिर्फ 32 ही है, सो दैट इज हाउ जो आपकी अलॉटमेंट है वो 15,000 से कम आ जाती है पर लॉट फॉर रिटेल। अगर हम कोटा की बात करें तो आपको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोटा जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है तीनों आईपीओस का इस वीक में जो आ रहे हैं। क्यूआईबी इज ऑफर्ड 50%, रिटेल्स को 35% ऑफर किया गया है एंड एचएनआईज को 15% ऑफर किया गया है। तो ये इसका साइज एंड प्राइस के बारे में डिटेल्स हो गई। नाउ लेट्स गेट टू द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी, कैसे परफॉर्म कर रही है, पहले कैसे परफॉर्म कर रही थी और आगे क्या हो सकता है। सो अगर हम सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें, सो रेवेन्यू 2021 में हमने देखा 557 करोड़ था, 2022 में 632 करोड़ था, जो कि हमें ग्रोथ दिख रही है एंड 2023 में भी हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी, विच इज 14.7% के आसपास इन द रेवेन्यू। मतलब एक साल में जो लास्ट ईयर था उसमें 14.7% की ग्रोथ है एंड उससे पहले भी ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही थी। अगर हम एसेट्स की बात करें तो 6371 करोड़ के इनके एसेट्स से 7153 के बढ़ते बढ़ते वो हो गए एंड 2023 में वो बढ़ के हो गए 7990 करोड़, विच इज 11% ग्रोथ इन एसेट्स। एंड बैंक के एसेट्स जो हैं उसको ग्रो करना बहुत जरूरी होता है टू नो दैट द बैंक इज ग्रोइंग, मतलब बैंक के पास ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, दैट इज वाई एसेट्स ग्रो कर पा रहे हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 40.78 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2021 में, 2022 में बढ़ के हो गया 62.57 करोड़, विच इज अ वेरी गुड ग्रोथ एंड 2023 में हम देखें तो ये बढ़ के 93.6 करोड़ हो चुके थे, विच इज मोर देन 49% का ग्रोथ। तो 49% का ग्रोथ हमें दिख रहा है
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एंड टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों ग्रो करती हुई दिख रही है। इसका मतलब फाइनेंशियली तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है लिस्टिंग में जो प्रॉब्लम आई है वो इस वजह से आई हो कि बाकी जो IPOs हैं वो इससे बेटर है, बट फिलहाल अभी के लिए हमने देखे तो फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। नाउ वैल्यूएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है सो आपके पास ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं जहां पे आप अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नेम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ही डीमैट अकाउंट से या एक ही नाम से, एक ही पैन कार्ड वाले बहुत सारे डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशन को लगाएंगे तो अपफ्रंट आपकी IPO की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाली है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। आपकी रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, आपको कभी भी IPO नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना होगा चांसेस बढ़ाने के लिए, अलग अलग डीमैट अकाउंट से, अलग अलग डीमैट से मेरा मतलब है अलग अलग पैन कार्ड वाली एप्लीकेशन से, मतलब अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। नाउ वैल्यूएशंस की अगर हम बात कर लें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 16.45% है, विच इज वेरी गुड। प्राइस टू इक्विटी जो है 19.35 है। प्राइस टू इक्विटी जो है 19.35 की है, जो हमें देखने को लग रहा है कि सस्ता है एज कम्पेयर टू आर पीयर्स, बट आई विल टेल यू कि ये सस्ता क्यों नहीं है। डेट टू इक्विटी जो है ये 0.95 है, विच इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है बैंक्स को नापने के लिए, दैट इज ओनली 1.81, जो कि बहुत बढ़िया नहीं है बट बहुत बेकार भी नहीं है। सो अगर 2 से ऊपर होता तो बहुत अच्छा होता, बट 1.81 इज स्टिल ओके। अगर हम पोस्ट EPS, पोस्ट IPO EPS की बात करें तो 19.35 है, विच इज ऑल्सो गुड। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर पीयर कंपैरिजन। IDFC फर्स्ट बैंक जो है उसका 21.76 चल रहा है PE, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 33 के आसपास, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का 24 के आसपास चल रहा है PE, एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि ऑलमोस्ट इसके साइज के आसपास है उसका चल रहा है 9.97, एंड इसका PE अगर आप देखेंगे 19.35 है। तो अगर हम कहें कि यार IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबसे इसका IPO कम है तो ये सस्ते में आ रही कंपनी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज जो है ये ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड है एंड ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड से शो कर रही है कि कितनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर पा रही है। इसीलिए दे हैव हाई मेट्रिक्स, दे हैव हाई प्राइस टू इक्विटी रेशियोज, बट ये कंपनी अभी IPO लेके आ रही है। सो थोड़ा सा और कंजर्वेटिव अगर कंपनी लेके आती, थोड़ा सा हमारे लिस्टिंग गेन का मौका छोड़ती तो हो सकता है हमें बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलते, बट क्योंकि अभी कंपनी ने ज्यादा लिस्टिंग गेन की प्रॉस्पेक्ट्स छोड़े नहीं है, इसलिए हमें हो सकता है कि मार्केट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी काफी कम है एंड और ज्यादा गिरते हुए दिखे। तो लेट्स सी के थर्ड डे पे सब्सक्रिप्शन कैसा आता है, मार्केट के सेंटीमेंट्स कैसे रहते हैं, उसके हिसाब से कैसे बदलता है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी सिर्फ 7.9% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो कि बनता है 37 रुपीज, मतलब 468 का इसका हाईएस्ट प्राइस बैंड है एंड 37 रुपीज उसमें ऐड कर दो तो 505 रुपीज का इसका ऑलमोस्ट लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन आ जाती है एट दिस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ग्रे मार्केट प्रीमियम कैन चेंज एवरी डे एवरी मिनट, इसीलिए आपको कॉशन रखना है एंड प्रॉफिट पर लॉट हो सकता है अगर आपको यही रहा इन दी एंड तो 1184 रुपीज। अगर आप ग्रे मार्केट की ट्रैजेक्टरी देखें इस IPO की तो गिरती जा रही है, 10-12% से खुली एंड करते करते अब 7.9% पे आ चुकी है। मेरा एक सिंपल सा फंडा और एक सिंपल सा रूल है, जब तक 20-25-30% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल ना हो जाए तब तक मैं उस IPO में हाथ नहीं डालता, क्योंकि मुझे अगर लिस्टिंग गेन्स चाहिए तो मैं 10-15% से खुश होने वाला हूं नहीं, क्योंकि अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बदले तो ये 7-8% तो एक सेकंड में गायब हो जाएगा एंड अगर मार्केट और थोड़ा सा डीप करेक्शन की तरफ आई तो हो सकता है 7-8% पॉजिटिव की जगह 4-5% नेगेटिव भी हो जाए। तो मैं अपने पैसे एक हफ्ते के लिए फंसाना नहीं चाहता उन वाले IPOs में जिसमें हमें थोड़ा सा लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस कम है। आपका क्या रिव्यू बन रहा है लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, कि आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप थर्ड डे के सब्सक्रिप्शन की वेट करने वाले हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। हो सकता है इसमें IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ भी जाए, बट जनरली हमने देखा है कि जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना कि यार एक अच्छा कर रहा है और दूसरा उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहा है तो क्या होता है दूसरे बच्चे को शाबाशी मिलती है, जो अच्छा कर रहा होता है उसको ज्यादा कुछ नहीं बोला जाता बल्कि पिटाई करी जाती है। तो हो सकता है इसकी पिटाई हो रही हो क्योंकि बाकी IPOs इससे ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एंड उसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको भी ऐसा ही मूड बन रहा है, अगर आपका भी ऐसा सेंटिमेंट बन रहा है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अगर आपके मन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप इस ये नहीं ये कर सकते थे, लेट अस नो दैट ऑल्सो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।